बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी अटर्न और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। एक तरफ शहर में गैर इलानिया लोड शेडिंग से लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ एक दो दिन से गर्मी की भी अच्छी खासी शिद्दत देखी जा रही है। शाम को मौसम कुछ बेहतरी की तरफ भी आता है और आज से तेज़ बारिशों की भी प्रेडिक्शन है। लेकिन बिजली महंगी होना, गैर इलानिया लोड शेडिंग का बढ़ते जाना, जबकि कल के मुताबिक हमने जो देखा था 3 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल, लोड शेडिंग जिसको हम कह रहे थे, वो जारी किया गया है। लेकिन अब क्योंकि बिजली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, तलब और रसद में डिफरेंस आने की वजह से हम देख रहे हैं के लोड शेडिंग का सिलसिला भी बढ़ता चला जा रहा है। सो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ एक डेढ़ घंटा भी नहीं बल्कि पूरा पूरा दिन भी कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली गायब रह रही है। ऐसे में फिर लोगों की दुखती रग पे हाथ रखने वाली बात है कि आप हर रोज़ हर आए दिन बिजली की कीमतों में भी इजाफा कर रहे हैं। सो ये सब तो चलता ही रहेगा, ऐसा होना ही है। आगे जाके जब ज़्यादा इस्तेमाल होगा, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होगी, तो आप देखेंगे कि लोड शेडिंग का दौरानिया भी ऐसे बढ़ता जाएगा। कुछ इलाकों से खबरें ये भी आ रही हैं कि ट्रांसफार्मर जल जाए तो जल्दी कोई फ़ोन नहीं उठाता, उसको रिप्लेस कैसे रिप्लेस किया जाए, कुछ बैकअप पे है ही नहीं। सो हम इस पर ज़रूर बात करेंगे, आगे चल के डिटेल में ज़रूर हम इस पर जो है डिस्कशन करेंगे। कुछ दीगर खबरें भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, हमारे मेहमान भी ज्वाइन करेंगे हमें। इसके साथ साथ जिनकी बर्थडे है हमने उनको भी विश करना है। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज आज की खबरों से। आज की टॉप स्टोरीज क्या हैं? पहली खबर, बिजली 1 रुपया 61 पैसे महंगी, 4 से 12 घंटे तक गैर इलानिया लोड शेडिंग, लाहौर ये बिल बिल आउट। अस्पतालों में मुतबादिल इलाज बंद, हुक्मा और होम्योपैथिक डॉक्टर्स की सीटें खत्म, इलाज का बजट एलोपैथिक मेडिसिन को दिया जाएगा। वजीर आला का ट्रैफिक रवानी का टास्क, जोहो टाउन में 2 प्रोटेक्टेड यू टर्न बनेंगे। और शहर में क्राइम की सिचुएशन क्या है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। वादत कॉलोनी में अब्रार से 65,000 नकदी और मोबाइल फोन छीन लिया गया। सो ये है जी सेफ सिटी के हालात। इस खबर की तरफ भी आएंगे, हमने अपनी खबरों की डिटेल्स जो है वो डिस्कस करनी है। हमारी सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, इमरान यूनुस और दुरे नायाब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले पहली खबर की तरफ आ जाते हैं दुरे नायाब। बिजली महंगी हुई, मजीद भी होगी, लोड शेडिंग जो गैर इलानिया है वो भी लाहौरिये भुगत रहे हैं और मजीद भी होगी। सो हम जो सर्दियों में कहते हैं कि जी ट्रांसमिशन लाइन्स पर काम हो रहा है, ट्रांसफार्मर्स पर काम हो रहा है और वो गर्मियों की तैयारियां की जा रही हैं, वो सब कुछ सामने आ जाता है खुल के, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई पे तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। आगे इलेक्शन देर होते हैं सवेर होते हैं वो तो चलें अल्लाह जानता है, लेकिन आपको तवज्जो अब आखिर देनी है ना। या मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो हमारी हुक्मरान जमातें हैं, जितनी भी जमातें हैं, वो आगे इलेक्शन लड़ना नहीं चाहती। जो हालात हो गए महंगाई के और बेरोजगारी के और जितने ये बुनियादी चीजें क्राइम इस्तेमाल की, आपका पेट्रोल, बिजली और ये लिंक्ड भी है। हाँ जी, एक तरफ हम ये कह रहे हैं जी कि रशियन ऑयल आ रहा है और बड़ी हम सब्सिडी देने जा रहे हैं, बड़ा पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, हमें ये मिल रहा है, हमें कजाकिस्तान जा रहे हैं वहाँ से बिजली लाएंगे, ईरान से पिछले दिनों ट्रांसमिशन का मुआहदा। जब ये चीज़ें आ रही हैं तो इसके समरात आवाम को मिलने चाहिए। ये डायरेक्ट आपका टैक्स लोगों की जेबों से छीनना निकालना ये बंद होना चाहिए। मुझे ये बता दें, अगर ये सब चीज़ें वाकई आ रही हैं, क्योंकि हम टीवी स्क्रीन पर खबरें सुने और हमें पता लगता है जी सागदार साहब कह रहे हैं आज ये मुआहदा हो रहा है, कल ये मुआहदा हो रहा है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर आगे पंजाब का बजट भी पेश किया जाना है। सो ये आवाम तक समरात पहुँचते पहुँचते इतना टाइम क्यों लग जाता है? अगर सब चीज़ें प्लान हैं, आसानियाँ हो रही हैं, आवाम तक क्यों आने में डिले है? देखिए जी, मैं कल सुन रहा था मुसद्दिक मलिक साहब एक इंटरनेशनल चैनल को इंटरव्यू देते हुए कह रहे थे कि जी हम बहुत कुछ बता नहीं सकते, हम बहुत कुछ पब्लिक सीक्रेट है, एक हमारे माहिदे हैं, हमारी जो हमने लोगों को रिलीफ देना है या जिन दो देने जा रहे हैं हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन ये डिस्क्लोज हम कर सकते हैं। ऐसी भी क्या पर्दादारी है हमारे कि आवाम बेचारे बिलबिला रहे हैं, हमें कि रशियन ऑयल आ रहा है तो वो कितना सस्ता आ रहा है, हम 30-40 रुपए कम कर देंगे। सोशल मीडिया की खबरें रोज बाज गश्त हो रही हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं वुजरा के बयान चल रहे होते हैं, फिर ये कहते हैं जी कि बिजली के मुआहदे जो जरदारी साहब के दौर के थे वो हमने बहाल करा दिए हैं और अब बिजली तो पता नहीं ऐसे आ जाएगी जैसे मुफ्त आनी शुरू हो गई है। फिर अब कल या परसों या आज शायद वजीर आजम जा रहे हैं, वो भी जाके मुख्तलिफ उन्होंने भी मुआहदे करने हैं बिजली से मुतल्लिक, लेकिन उस वक्त तक मुझे ये बताएं कि कहाँ की नाइंसाफ़ी है कि इतना महंगा यूनिट
एक आम बंदा जो दिहाड़ी में 500 भी कमा पाता है, एडजस्टमेंट एडजस्ट क्यों नहीं हो पाती हर महीने एक नई फ्यूल प्राइस एडजस्ट। आप देखें ना, आप जख्मों पे नमक रखते हैं। कैसे रखते हैं जी? कि आपका ब्यूरोक्रेट, पुलिस अफसर, मुख्तलिफ इदारे, वो भारी तनख्वाहें लेने वाले फ्री बिजली इस्तेमाल करें, आपका दिहाड़ी 500-600 कमाने वाला वो 40-50 रुपये यूनिट अदा करे। तो भाई ये आप कम अज़ कम अगर यही चीज़ नहीं कर सकते, आप कम अज़ कम सबकी रियायत ख़त्म करें, सबको उस नेट में लाएं, सबको बिजली बिल पे करने वाले सिस्टम में लाएं, ताकि किसी के दिल की जो दिल पे जख्म होता है उस पर वो नमक पाशी ना हो। अच्छा, ये सब चीज़ें अपनी जगह, एक तो आवाम के ऊपर ये जो हर महीने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का बोझ है ये डाल दिया जाता है, कहने को आपको चंद पैसे और चंद रुपये होते हैं लेकिन जब बिल आता है तब लग पता जाता है। अब सवाल ये है कि आप ये सब कुछ तो कर रहे हैं, चलें करें, बिजली चोरी नहीं आप रोक पा रहे। इमरान, मैं आपसे जानना चाहूँगी, बड़े बड़े जो लेस्को के नादहिंदगान हैं, अभी आप शाहिद सिप्रा से कॉल हम अगर मिला लें तो आपको बता देंगे कि जी वासा के ज़िम्मे कितना बिल वाजिब उलद आया, पीएचए के ज़िम्मे, फलां के ज़िम्मे, फलां के ज़िम्मे, मतलब वो जो कर रहे हैं करते रहे, भुगतना है। तो आम आदमी ने, जिसने अगर कोई 4000 रुपये का 2000 रुपये का बिल जमा नहीं कराया तो उसका कनेक्शन कट जाएगा। जी देखिए, यही चीज़ जो है, जब दुरे ने आप हकायक बता रहे थे तो मैं यही चीज़ सोच रहा था कि असल इशू जो है वो क्या है। देखिए, बिजली महंगी होने से बड़ा इशू और अहम और ख़तरनाक इशू जो है वो इसकी ट्रांसमिशन है। अच्छा, ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। देखें, बिजली इनके पास जितनी भी है ना, इनके बाकी जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो नाकारा है, ट्रांसमिशन लाइनें जो हैं वो नाकारा हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपके जो ट्रांसफार्मर है वो नाकारा है, और अब तो गर्मियाँ आ गई हैं, अब देखिएगा कि होता क्या, ट्रांसफार्मर जो है वो जलेंगे। और ये किसी एक भी वर्कशॉप में ठीक ट्रांसफार्मर नहीं। अब ये देखें ना कि लोड शेडिंग होती क्यों है। लोड शेडिंग सिर्फ इसलिए नहीं होती कि इनके पास मतलूबा बिजली नहीं है। नॉर्मली होता क्या है कि आप देखें कि हर घर में दो दो एसी तो लाजमी है या एक एसी तो ज़रूर होगा। फिर होता क्या है कि गर्मी आ गई है, अब ट्रांसफार्मर पे जब लोड पड़ता है तो फिर लेस्को क्या करता है कि उसको बचाने के लिए, कि ट्रांसफार्मर जो है वो जल ना जाए, उसका उसको लोड मैनेज करने के लिए उसको बंद कर दिया जाता है और दो दो घंटे के लिए किया जाता है, बाज़ का तो एक घंटे के लिए किया जाता है और दो घंटे, जिसको हम लोड शेडिंग कहते हैं। तो ये असल इशू जो है वो है। बाकी इनकी जो लाइनें हैं वो बसीदा हैं, ट्रांसफार्मर जो है वो इनके बसीदा हैं, इन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। देखें, इनके पास बिजली अगर आ भी गई, फ़र्ज़ करें इन्होंने, इनके पास मतलूबा बिजली पूरी हो गई, जो इनकी मतलूबा डिमांड है वो ज़ीरो हो गई, ठीक है, उसके बाद होगा कि आपके पास ट्रांसफार्मर तो वही पुराने हैं ना जिस पर लोड पढ़ना है, इन्होंने क्या करना है, फिर वो गर्म होने हैं, फिर इन्होंने उसको बंद कर देना है। दूसरी बात ये है कि जो बिल्कुल इशू जो आप बता रही थी, बिजली चोरी, देखिए जब तक ये इशू ख़त्म नहीं होंगे, बिजली चोरी और करप्शन ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। अच्छा, तीसरा फैक्टर भूल गए, जो वीवीआईपी आप दो दो तीन तीन फीडर्स देते हैं एक तरफ से, उनकी जो जिंदगी में लाइट जाने का चंद सेकंड का होता है, चंद सेकंड का होता है, और उसके बाद जिस तरह लेस्को के, अच्छा मुझे ये हमेशा हम ये इशू डिस्कस करते हैं, भाई एक ऑफिसर आपके पास अगर भर्ती हुआ है, आप उसको सैलरी के अलावा तमाम तर मराद देते हैं, उसमें आप उसको 500 यूनिट या 1000 यूनिट फ्री क्यों देते हैं भाई? वो तो अपनी काबिलियत पर आया है, आप उसको उसके काम के उसके एवज पैसे दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, अलाउंसेस दे रहे हैं, आप उसको ठीक है हाउस रेंट भी दे रहे हैं, आप बिजली जिसकी कमी आपके पास पहले ही है, जो कि अवाम का हक बनता है, अवाम का राइट बनता है, आप अपने अफसरान को और मुलाजमीन को 500 से 1000 यूनिट जो है वो आप दे देते हैं। जब तक ये चीजें जो है वो खत्म नहीं होंगी, और दूसरा ये बिजली चोरी जो है जिसमें ये खुद इनके मुलाजमीन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और ये ढकी चुकी बात नहीं है, सबको पता है, हर बंदे को पता है। शहर में आंधी भी चल रही है, मौसम कुछ आप देखते हैं कि शाम में एकदम से तब्दील हो जाता है, ऐसे में कल कई इलाकों से खबर ये आई और आज भी तूफानी बारिशों का प्रेडिक्शन है, तो ऐसे में ये दौरान आया, मौसम भी अच्छा होता है तो हम देखते हैं लाइट गायब हो जाती है। देखिए जी, हमारे लिए तो हर तरह से जो है ना मुश्किल है, अलमिया है, गर्मी हो तो और अजाब है। एग्जैक्टली, और गर्मी ऐसी इस बार आ रही है की आपको लिखा होता है की जी 38 है लेकिन फील्स लाइक 45 है। अच्छा, एक तो गर्मी है, फिर हम ये दुआ करें तो ये अल्लाह मौसम अच्छा कर दे, मौसम अच्छा होता है तो हल्की सी वो हवा चलती है और इनके फीडर ट्रिप और हल्के से पानी के चंद छींटे पड़े तो बस गई, ऐसी है। तो हमें तो हर लिहाज से चैन नहीं है ना, ना आना है, लेकिन मैं यही बात करता हूँ कि क्या ये वाबडा कॉलोनीज, क्या ये लेस्को कॉलोनी में भी ये हालात होती हैं? मैंने तो कभी नहीं सुना वहाँ पे, मैंने तो वहाँ रहने वालों के कभी ये शिकवे नहीं सुने। मैंने बहुत बार शायद सिप्रा साहब से बात पूछी है और ये जानने की कोशिश भी की है, ये जो अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन वाला काम था, ये क्या बहुत ही कोई मुश्किल काम है, बहुत ही पैसे वाला काम है जो काम? देखें जी, 2014-15 की बात है, मुझे अच्छी तरह याद है, वज़ीर आला शहबाज़ शरीफ साहब थे, इन्होंने सिर्फ MM आलम रोड को
अंडरग्राउंड करना था, वो चंद करोड़ का मंसूबा था, हार्डली मेरा ख्याल 29-30 करोड़ होगा, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं आता, 12 साल पुरानी बात है। अच्छा वो चले गए, फिर दोबारा जब आए 13 के बाद दोबारा इलेक्शन हुए, गवर्नमेंट दोबारा इनकी बन गई, दोबारा आए तो वो 1 अरब कुछ टच कर गया। फिर जब वो दोबारा आज की बात करें तो मेरा ख्याल है ये 2-3-4 अरब लगा के भी अंडरग्राउंड नहीं होगा, इतनी ज़्यादा मुश्किल है। फिर आपने एमएम आलम रोड के अलावा माल रोड को अंडरग्राउंड करना था, आपने लाहौर शहर की तमाम मॉडल रोड्स पे बिजली अंडरग्राउंड करनी थी, आपने ये पॉलिसी बनानी थी कि अब जहाँ जहाँ भी जो 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 नया कुछ होगा वो अंडरग्राउंड होगा। लेकिन आज क्या होता है, आपके नए जितने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, अंडरपासिस बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, आप वहाँ पर अंडरपास नहीं करते, आप क्या करते हैं कि उसी पोल्स को शिफ्ट करके चंद कदम पीछे ले जाते हैं, वहीं पे तारें, नंगी तारें फिर चल रही होती हैं। तो भाई कोई पॉलिसी तो बनाने की जरूरत है ना। देखें ट्रांसमिशन लाइनें आप चाहे ऊपर रखें या नीचे रखें, आपका सिस्टम तो वही है ना। नहीं लेकिन नीचे रखने में लाइन लॉसेस कम होते हैं, जैसे आंधी तूफान आते हैं, कुछ बारिश, आंधी तूफान बारिश की जो बात कर रही है ना, जो दुर्नियाम ने बताया कि 2 कतरे वाकई यहाँ पर थोड़ी सी बारिश होती है और जना फीडर ट्रिप कर जाते हैं और तमाम जो निज़ाम है वो धर्म भरम हो जाता है। देखें हमारे पास जो बिजली बन रही है ना पानी से बिजली जो है ना वो सस्ता तरीन जरिया जो है ना वो पानी है जिससे बिजली बनती है। हमारे मुल्क में सिर्फ 25% बिजली जो है ना वो पानी से बन रही है, बाकी 75% बिजली जो है ना वो पता कैसे बन रही है, वो ऑयल से बन रही है। और वो कौन सा ऑयल है जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जब डॉलर बढ़ता है उसकी कीमतें बढ़ती हैं तो ऑब्वियसली बिजली तो महंगी होगी। तो ये हमें भुगतना पड़ेगा, ना आप सोलर पे जा रहे हैं ना पानी के मंसूबे बना रहे हैं, इस हवाले से तो जीरो प्लानिंग है। मुझे ब्रेक का बार बार कहा जा रहा है, नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर यह है कि इलाज का बजट एलोपैथिक मेडिसिन को दिया जाएगा, अस्पतालों में मुतबादिल इलाज बंद, जरा ये मंतक इमरान समझाइएगा क्या है। अच्छा देखें मैंने अपनी जिंदगी में जब भी मैं किसी हॉस्पिटल में गया हूँ मैंने वहाँ पर कोई हिकमत का डेस्क या होम्योपैथिक का डेस्क जो है वो नहीं देखा। आपने भी नहीं देखा होगा, दुरे ने आपने भी नहीं देखा होगा, ये मैंने पहली दफा सुना। तो अगर ये सीट्स खत्म कर दी गई हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसका किसी चीज को कोई फायदा होगा। पहले तो इसकी जरूरत ही नहीं थी ना, हमें तो कभी नजर ही नहीं आया कि हम हॉस्पिटल जाएं और जाते हैं। जाहिद साहब ने कभी इससे रिलेटेड कोई खबर दी भी है? बिल्कुल ऐसे, और मुझे नहीं लगता कि इससे शहरी जो है वो परेशान होंगे। चले फर्ज करें आप ये जरूरत समझते हैं कि जी ये हिकमत और ये होम्योपैथिक जो है इसकी ज़रूरत है, तो भाई इसके लिए आपको जैसे आपके ये एलोपैथी के अलहदा हॉस्पिटल है, टीचिंग हॉस्पिटल है, ऐसे ही इसके हॉस्पिटल बना दें, ठीक है ना। अगर आप समझते हैं कि यूनानी तरीका इलाज की अहमियत है और होम्योपैथिक जो है इससे वाकई लोगों को रिलीफ मिलता है, हालांकि ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है ना, वाकई इसकी ज़रूरत है तो ठीक है भाई आप इसके लिए अलहदा टीचिंग हॉस्पिटल बनाएं, ठीक है, इनके लिए अलहदा सिस्टम, अलहदा जो अथॉरिटी है वो बनाई जाए ताकि वो इस चीज़ को देखे। हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी जो है वो फौरी अपना इलाज मुआवजा जो है वो चाहता है, जो कि एलोपैथी में ही होता है, ठीक है ना। और होम्योपैथी के हवाले से बाहर तो काफ़ी छोटे छोटे मेडिकल स्टोर जो हैं वो होते हैं, छोटे छोटे जो क्लिनिक्स हैं वो तो सुने हैं हमने, लेकिन हॉस्पिटल्स में हिकमत और उसके साथ होम्योपैथिक जो है वो मैंने तो आज तक माजरत के साथ नहीं देखा। मेडिसिन एलोपैथिक में बजट जो है मुख्तस किया जाएगा, मुझे दुरना आप ये समझा दें, और अद्वियात कौन से हॉस्पिटल में पहले मुझे बता दें फ्री मिल रही हैं जो मुतबादिल इलाज बंद हो रहा है। देखिए ब्यूरोक्रेसी को सलाम है कि इधर का पैसा इस जेब से निकाल के उस जेब के फंड ठीक है। जब उनको कहा जाता है ना कि जी अद्वियात नहीं है अस्पतालों में, आपके अस्पतालों में सिरिंजेस अवेलेबल नहीं है, आपके अस्पतालों में मामूली इंजेक्शंस एलर्जी के, दर्द के, पैनाडोल गोली जैसी भी मुहैया नहीं है, तो वो कहते हैं जी फंड्स का मसला, फिर हम क्या करें जी, कुछ ऐसे हिडन फंड है जो इस्तेमाल नहीं हो रहे कुछ, हालांकि वो सर्विसेज सिरे से होती नहीं है। आप उनको एक ऐसे पेपर ग्राफ पे दिखाते हैं जी कि हमारे पास देखें जी ये हिकमत का ये पड़ा है, हर्बल मेडिसिन ये पड़ी हैं जो कि किसी भी सरकारी अस्पताल में प्रैक्टिस नहीं हो रही, ये डिसफंक्शनल प्रैक्टिस है, ये कभी भी आप कहीं नहीं देखेंगे जाके जी के आपको डॉक्टर कहे कि नहीं नहीं आपकी तो बड़ी कम बीमारी लग रही है, तो आप हकीम साहब हमारे बैठे हैं अगर आप उनसे रब्ता कर लें, ठीक है, या वहाँ पे वो हर्बलिस्ट बैठे हैं तो आप उनसे कोई डॉक्टर। हमारे अस्पतालों में ऐसा ये नरगा है MBBS डॉक्टर्स का कि वो किसी और को आने नहीं देते, सही कहा आपने, वो ना किसी मेडिसिन को आने देते हैं, ना किसी जो आपका जो न्यूट्रिशनिस्ट होता है उसको कोई बैठने देते हैं, माजरत के साथ यंग डॉक्टर्स के रवैये तो देखें, ना किसी फिजियो को बैठने देते हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं, जो बंदा आया है उसको ड्रिप और इंजेक्शन लगा के बस फारिग करें,
या भारी और हैवी मेडिसिन लिख दें या फिर उससे आहिस्ते से दोस्ती बढ़ा के शाम को अपने क्लिनिक पे बुला लें, ठीक है। उसके बाद सरकारी अस्पताल से खाता गोल और फिर वो ऐसा बंदा मीठे रवैये के साथ आपका अपने प्राइवेट क्लिनिक में इलाज करेगा और आपकी जेब पे भी हाथ साफ करेगा कि आप परेशान हो जाएंगे कि यार ये डॉक्टर उधर सरकारी अस्पताल में क्या था और आपके साथ क्या है। तो मैं ये कहता हूँ कि बात ये है, ये कुदरत का इंसाफ है, मरना मरीज ने भी है, मरना डॉक्टर ने भी है। अच्छा दुल्हन अब हमारे तो कोशिश है कि अच्छा करके मरे। हमारे माशरे में ना, ये मैं आपको हकायक बताता हूँ, हमारे माशरे में ना वाकई ऐसे भी तबकात हैं जो अभी भी हिकमत और ये होम्योपैथिक और हकीमों के पास जाते हैं और अपना इलाज जो है वो उन्हीं से करवाना बेहतर समझते हैं। चले ठीक है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो है हुकूमत अगर उनका सोचे, वाकई हर जगह पे आप देखिए हकीम बैठे हुए हैं, पंसारी बैठे हुए हैं, छोटे छोटे होम्योपैथिक क्लिनिक है, तो इनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए हुकूमत को चाहिए कि ठीक है जैसे आप एलोपैथी के आपने हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं, ठीक है टीचिंग हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं, ठीक है डॉक्टर्स आपके बैठे हुए हैं, ऐसे ही आप जो है वो हिकमत के हवाले से या होम्योपैथिक के हवाले से कोई लैदा हॉस्पिटल जो है टीचिंग हॉस्पिटल वो बना दें जहाँ पर सब चीज़ें जो है वो कंट्रोल्ड हो, स्ट्रीमलाइन हो और आपको पता हो कि भाई एलोपैथी से अगर इलाज करवाना है किसी ने तो वो यहाँ जा सकता है, किसी ने होम्योपैथिक या हिकमत के हवाले से करवाना है तो भी इस हॉस्पिटल में। ये भी मशवरा कि हमारे गले ना पड़ जाए क्योंकि वो हिकमत में भी ऐसी अद्वियात है, ममनू अद्वियात, अगर वो इस्तेमाल होना शुरू कर दें तो लोगों के जिगर और लोगों की किडनी फारिग हो जाती है। जो गली मोहल्ले में छोटे छोटे होम्योपैथिक और हकीम खुले बैठे हुए हैं ना अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, एटलीस्ट वो एक दायरे कार में आ जाए। देखिए ना, वो स्टीरॉइड्स यूज करते हैं और या फिर वो आपकी वेटरनरी जो मेडिसिन है, फिर भाई वो बंद तो नहीं हुए ना, फिर ये किसकी वो तो चल रहे हैं, वो भी स्टीरॉइड यूज कर रहे हैं। वाकई एक वक्त में बंदा यूं अचानक खड़ा हो जाता है, कहता है जबरदस्त दवाई है, अगले भी मर जाता है। हाँ, उसको ये नहीं पता होता कि इसका लॉन्ग टर्म इतना इफेक्ट है कि मेरे गुर्दों पे, मेरे बाकी किडनीज पे। भाई अब इसको रोकना किसका काम है, ठीक है मैं ये कहता हूँ चेक एंड बैलेंस तो कोई अथॉरिटीज बनी हुई है, अथॉरिटीज बनी हुई है आपके हेल्थ इंस्पेक्टर्स हैं, आपके ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, आपके मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हेल्थ इंस्पेक्टर और ड्रग इंस्पेक्टर, मुझे तो लगता है वो धनिया पी के पता नहीं, मैंने भी कभी नहीं देखा वैसे आपस में। हमारे दो चार दोस्त जानने वाले वो सलाम दुआ के लिए मिलते हैं लेकिन मैंने फील्ड में कभी मुतहरक नहीं देखा। और लोगों की सोच ये हो गई है कि लोग बेचारे जो है ना वो अपने इलाज के लिए एक तो उनके पैसे नहीं रहे और एक उनके पास अब ये है कि वो कहते हैं कि जी हमारे चले कुछ जो कुछ बेचते हैं, कोई अपना घर बेच के इलाज करा ले, कोई अपनी कोई सोना बेच के औरत को इलाज करा ले। अब तो लोग इस चीज़ पे शिफ्ट हो गए हैं, ऐसे ही है। और ये इसका ख्याल किसने करना है? आप हेल्थ का बजट जो है आप उसको उठा के देख लें, उसकी यूटिलाइजेशन देख लें और हेल्थ डिपार्टमेंट से लेके डॉक्टर्स, MS साहिबान, पैरामेडिकल स्टाफ, इनके अस्पतालों के रवैये, इनके लल्ले तलल्ले, इनके अखराजात देख लें, आपको सारी कहानी खुल के सामने आ जाएगी। और माजी में भी इन पे तवज्जो देने की बजाय आपने प्राइवेट सेक्टर को नवाजा, अब जब दूसरी गवर्नमेंट आई है मुस्लिम नून की फेडरल में तो उस पर भी हेल्थ सेक्टर में बहुत काम किया जा रहा होगा, शायद हमें आने वाले वक्त में नजर आ जाए, लेकिन फिलहाल जो है ना लोगों की गुजारिश, फिलहाल अभी तो लोग अस्पतालों में जाते हैं और बस घुमाया जा रहा है, चक्कर लगवाए जा रहे हैं और ऐसे में ये भी बताया जा रहा है और बच के भी नहीं आते, वही ना, ना जेब बचती है और ना अल्लाह माफ करे जिंदगी बचती है, ऐसे ही है, बस अल्लाह ताला के हवाले ही है सब कुछ, पूछने वाला कोई नहीं है। हालात बेहतर किसने करने हैं ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। चौक चौराहों पे जहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स बन रही है ये लोग काम करने को तैयार ही नहीं है। अब मैंने हालत देख लें लोगों की कि एक वजीर आला को इतने पेटी इशू भी देखने पड़ रहे हैं कि उसके हॉस्पिटल में बेडशीट, साबुन, कोई सरहाने के कवर, अब वो कल को क्या करेंगे? वो कल को ये भी जाके देखेंगे कि कहीं पे कि जाले लगे हुए हैं किसी कमरे में, कहीं कोई खिड़की साफ हुई है कि नहीं हुई, डस्टबिनें खाली की जा रही नहीं की जा रही। और ये इतने नाअहल ब्यूरोक्रेसी जो इतनी भारी भरकम तनख्वाहें ले रही है, किस चीज़ की तनख्वाहें ले रही हैं? आपके दो दो सेक्रेटरीज हैं हेल्थ के, आपके दो दो मिनिस्टर्स हैं, आपके नीचे तमाम MS साहिबान जो हैं वो किसी जेल सुपरिटेंडेंट में, जिस तरह जेलर बादशाह नहीं होता वो हस्पताल का बादशाह होता है और किसी बंदे को सर उठाने की जरूरत नहीं होती। कोई बंदा सवाल कर ले किसी MS साहब से या किसी डॉक्टर जो है, जितने यंग भी देख लें, तो वो कहते हैं जी कि हमारी आपने तोहीन कर दी है, ठीक है जी, और रिफ्यूज कर देंगे आपको इलाज करने से, आपको दवाई देने से। कोई इतना भी किस तरह फिरौनियत दिखा सकता है? हालात तो यहाँ पहुंच चुके हैं,
तो मैं ऑनेस्टली मुझे लगता है कि कल को वज़ीर आला जितने ज़्यादा कंसर्न है लोगों के हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, लोगों के ये जितने यूटिलिटीज़ हैं, जितनी उनको शहरी सहूलियात के हवाले से, इनको तो खुद जाके वहाँ पे बैठना पड़ेगा कि जी 24 घंटे के अंदर क्या क्या मामला क्या ठीक हो सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा। सो ये तो थी जी हॉस्पिटल्स के हवाले से। अब जो शहर में तरक्याती मनसूबा जहाँ चल रहे हैं, हम वहाँ भी CM साहब को खासा एक्टिव देख रहे हैं। कल उन्होंने अकबर चौक फ्लाईओवर का दौरा किया। जी इमरान जी बिल्कुल, देखें ऑब्वियसली मैं अभी जो है वो एक खबर जो है वो पढ़ रहा था और दुर्रनियाब की खबर थी और मैं दुर्रनियाब से ब्रेक के दौरान यही चीज़ें जान रहा था कि ये जो प्रोजेक्ट जल्दी जल्दी बन रहे हैं इसकी वजह आखिर क्या है, क्यों, क्या ये इदारे पहले काम नहीं करते थे? ज़रूरी है कि इनके सर पे डंडा जो है, वैसे तो हम अपनी आवाम को कहते हैं कि ये हमारी आवाम जो है ये डंडे की पीर है, लेकिन हमारे इदारे जो हैं आप, ये बात हकीकत है कि इनको काम ना करने की आदत बन चुकी है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आपके ऊपर बैठा आपका सरबराह आपको ढील देता है तो फिर आप प्रोजेक्ट जो है वो लेट करते हैं। बिल्कुल, अब आप ये देखें ना कि कलमा जो अंडरपास मंसूबा था कलमा चौक का, वो जो डेडलाइन दी गई, वजीर आला ने खुद उसके कई बार विजिट किए और सारे काम को देखा और ख़ुद ये कहा कि भाई ये काम इतने दिनों में मुमकिन हो सकता है। हालांकि वज़ीर आला कोई इंजीनियर तो नहीं है, लेकिन अपनी उन्होंने अपनी नज़र से, अपनी समझ से देखा कि ये हो सकता है, ठीक है ना। तो इन इदारों में जो इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, जो पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? दुर्रनियाब कल CM साहब ने जो दौरा किया है, मुझे उसके कुछ खतोखाल बता दीजिएगा, कितनी देर में काम मुकम्मल होगा, क्योंकि ट्रैफिक रवानी के हवाले से बड़े कंसर्न है वो कि शहर में जितने भी काम है जल्दी। CM बहुत कंसर्न है लाहौर शहर की ट्रैफिक। हफ्ते को तो मैंने 3 जगह पे उनको वो कवर करने की कोशिश की, लेकिन वो जाहिर बात है हमारी भी मजबूरियां होती हैं और CM की सिक्योरिटी की भी इश्यूज होते हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने उनको कल उस दिन देखा ना, मेरा हफ्ते को इतनी गर्मी थी, मेरा खुद बाहर खड़ा होना मुश्किल हो गया था गर्मी में, लेकिन वज़ीर आला खुद खड़े थे। ना सिर्फ वो कलमा चौक पर खड़े थे, वो गुलशन रावी टी जंक्शन पर खड़े थे, वो शाहदरा फ्लाईओवर पर खड़े थे जाके गर्मी में। और मैं इन ब्यूरोक्रेसी की हालत देख रहा था, वो सारे रुमाल लेके, कोई सेक्रेटरी साहब कोई कर रहे हैं, कभी कोई इंजीनियर जो है वो टोपी लेके खड़े हैं, आदत नहीं है। और CM जो है ना वो यूं खड़े और अपने ना बॉल पॉइंट लेके मौके पे ना वो ड्राइंग्स पे वो इशारे करके एक्शन कर रहे हैं कि जी ये इस तरह कर दें, इस तरह कर दें, फैसला क्या है। अच्छा, मैं इन लोगों को ब्यूरोक्रेसी को देख रहा था कि उनसे तो 2 मिनट बाहर नहीं खड़ा हुआ जा रहा था और CM तो बाहर खड़े होके प्लानिंग नहीं हो रही थी, वो 1 मिनट में प्लान करके फैसला करके हाथ से लकीर खींच के चले जाते थे। कल रात भी अचानक अनएक्सपेक्टेड विजिट था, किसी को नहीं पता था कि वो कल आ जाएंगे, अचानक आए हैं। तो इनको वो तकरीबन आए आप समझ लें कि 11:45 बजे, तो 10 बज के कुछ मिनट पे इनको पता लगा कि CM जो है ना वो रवाना हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा। जी इतना ही मार्जिन था, फिर वो जो जैसा था वो जिन कपड़ों में था वो पहुंचे, कमिश्नर ऑलरेडी एक्टिव हैं, उनको पता होता है चीज़ों का, वैसे फिर रहे होते हैं, वो पहुंच के चीफ इंजीनियर पहुंचे, इंजीनियर के बाकी लोग पहुंचे। अकबर चौक जो है वो मनसूबा 14 अगस्त को CM ने कह दिया कि मैं तो यहाँ से गुजरूंगा, ठीक है। अब 14 अगस्त में कितने दिन रह गए हैं, क्या हो गया है, लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ कि कल तक उसकी 148 पाइल्स में से 90 पाइल्स हो चुकी थी। अब हफ्ते का काम रह गया, क्योंकि पाइल सबसे मुश्किल काम होता है। आपने ज़मीन के अंदर 15 से 20 मीटर नीचे जाना होता है और आपने कंक्रीट की पूरी आपने एक सतून खड़े करनी होती है ज़मीन के नीचे। अब जैसे ही ये पाइल जो है मुकम्मल हो गई हैं, ये कॉम्पलों की तरह पुल निकलेगा, इसके ऊपर गर्डर्स जो हैं वो कहीं और बन रहे हैं, वो ला के वहाँ पे शिफ्ट करके डाले जाएंगे और ये दिनों का काम होगा। प्लानिंग बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन CM ने जब तक तो खुद वहाँ पे देखा नहीं और उनकी अपनी जो डेडलाइन को असेस करते हैं कि मैं 14 अगस्त जो कह रहा हूँ क्या वो दुरुस्त है, वो उस वक्त यकीन नहीं करते। इसी तरह रात को वो समनाबाद भी 2-3 दिन पहले पहुँच गए, रात को भी उन्होंने असेस किया कि मुझे तो ये कह रहे हैं जी जून में प्रोजेक्ट दे देंगे, लेकिन हालात तो है नहीं जून वाले, ठीक है। उस पर वो काफ़ी नाराज़ हुए कि आपने 15 जून कहा था, अब 30 जून कह रहे हैं, तो मुझे 30 जून वाले हालात भी नज़र नहीं आ रहे। फिर दौड़े लगी कल के तसलसल में ही, फिर कमिश्नर साहब भी रात को समनाबाद खड़े रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने पूरी प्लानिंग करते रहे हैं। तो जो मैं आपको कहता हूँ ना, अब चौक चौराहों में कुर्सियों लगाने वाली बात रह गई है, वो दिन आने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये हमें शहबाज शरीफ साहब वाला दौर याद आ रहा है, उससे भी ज्यादा वो कुछ नहीं था, वो कुछ नहीं था, मैं वही कह रही हूँ, वो भी कवर किया। देखें 10 साल कवर किया शहबाज शरीफ साहब, माजद के साथ हमारे जो अब प्राइम मिनिस्टर है, इनके दौरों में होता पता क्या था, ये दौरों पर जाते थे कहते थे ये नहीं हुआ, ये किसकी जिम्मेदारी है, इसकी इसको फारिग करो, इसको फारिग करो, इसको फारिग करो, वो उंगली हिलाते थे, ठीक है। उनमें और निगरान वज़ीर आला में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्यों वो मैं आपको बताता हूँ। वो बंदे फारिग करते थे, निगरान वज़ीर आला क्या कहते हैं, ये अभी तक ठीक नहीं हुआ, वजूहात क्या है, वजह बताओ क्यों नहीं हुआ, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, हो गया, अब ये तारीख है,
ये फर्क है जब आपने काम लेना हो और काम करवाना अच्छा, हो। एक प्रोजेक्ट में गए, एक इसी से कंटिन्यूटी में एक प्रोजेक्ट में गए, उन्होंने कहा जी कि ये काम किसने करना था, उन्होंने कहा फलाने ने, वो फैसला क्यों नहीं कर रहा जी, वो थोड़ा सा ना वो कह रहे हैं कि हम देख लेते, करते कहते कि उसे को फैसला वही करेगा और करेगा भी आज शाम तक, ठीक है, यानी कि ये फर्क है, काम घर नहीं जाएगा तो काम करके जाएगा। जब आपने काम लेना हो, दूसरा हम वजीर आला साहब से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि देखें ये हम अभी दुर्नियाब की जो खबर थी कि जोहर टाउन में दो जो है वो प्रोटेक्टिव यू टर्न बनेंगे, जो शौकत खानम फ्लाईओवर मंसूबा है ना, ये शौकत खानम रोड ऐसी है कि जिस पे अब तक कोई अरबों रुपया जो है ना वो उसकी तज़ीन और आयश पर भी लग चुका है, ठीक है ना। लेकिन देखें मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जब हमने घर बनाना होता है ना, चाहे हमने दो मंजिला बनाना है एक मंजिला, तो हम उसकी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और फिर हम ये भी सोचते हैं कि आज हम एक मंजिला बना रहे हैं, इन फ्यूचर हम दूसरी मंजिल अगर डालेंगे तो वो कैसे बनाएंगे, इसके पिलर्स कैसे बनाने हैं, रास्ता कैसे देना है, ये प्लानिंग होती है भाई। ये इधारे आप ये देखें कि मैं अभी दुर्नियाब से पूछ रहा था, दुर्नियाब ने यह बताया कि तकरीबन 2 अरब से जायद का फ्लाई ओवर जो है वहां पर बना, उसके नीचे फिर सिग्नल जो है वो मौजूद और ये सीएम ने डिजाइन किया अभी अभी भी आप नीचे अंडरपास के फ्लाईओवर के नीचे यू टर्न क्यों नहीं बना, इशारा क्यों नहीं पता। अभी भी आप सिग्नल पे चले जाएं ना, मैं दुर्नियाब से वही रोना रो रहा था कि यार तीन तीन बार ना उस सिग्नल को क्रॉस करने में वहाँ खड़ा होना पड़ता है, ठीक है। खैर चलें, अब मेरे पास वक्त कम है, मैंने एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। और शहर में जराइम इस हद तक बढ़ चुका है कि वादत कॉलोनी में अबरार नामी शहरी है, 65,000 नकदी और मोबाइल फोन उससे ले गए, 24 घंटों में 427 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, ये रिपोर्ट हुई हैं, जो रिपोर्ट नहीं हुई, जो मंजर आम पर नहीं आई, वो एक अलग बात है। इमरान भाई एक आपसे कमेंट जी, वादत रोड जो आप बात कर रही हैं, समनाबाद इकबाल टाउन पूरे शहर में जराइम की यही सूरत हाल है। बात यह है कि ये जो चोरी डकैती राजनी करते हैं, इन्हें पुलिस का डर नहीं है, आप ये भी बता बिल्कुल ऐसे, इन्हें पुलिस का डर नहीं है। आप यकीन जाने पिछले महीने मैंने इस प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि हमारी गली में एक ही दिन में दो लड़कों ने 125 पे 27 वारदातें जो है वो की थी, ये जब जलाओ गरा हुआ था उस दिन इन्होंने 27 वारदातें की और आज का कुछ भी उनका जो है ऐसे ही है। अच्छा जी, मेरे पास एक मिनट है। पीरू फोर्स की गाड़ियां आपको गश्त करती नजर आती थी, आपको कुछ डॉल्फिन की जो बाइक्स थी वो भी नजर आती थी, बहुत कम हो गया है, क्या ये वजह है जो ये क्राइम इतना बढ़ता चला जा रहा है? जी क्राइम बिल्कुल बढ़ने की वजह ये है कि पुलिस की तवज्जो कहीं और हो गई है, पुलिस पे एतमाद तो पहले ही आवाम को नहीं था, उसके बाद तवज्जो हटने से मुख्तलिफ कामों में पड़ने से मुख्तलिफ फोर्सेस की गाड़ियां खराब, मोटरसाइकिलें खराब होके कम होने से, उनको फ्यूल ना मिलने से अब ये हालात हो गए, डर खौफ खत्म हो गया लाहौर शहर में। अल्लाह रहम करे आने वाले दिनों में क्या हालात हो गए। बहरहाल कल वज़ीर आला ने अपनी प्रेस टॉक में ये बात की यकीन दहानी कराई है कि आने वाले दिनों में आपको क्राइम रेट नीचे जाता नजर आएगा। चलें जी, उम्मीद की जा सकती है, लेकिन सवाल फिर अगेन यही है, वो चाहे हेल्थ है, वो चाहे शहर में क्राइम की सिचुएशन है, वो भी चाहे तरक्याती मनसूबा जाते हैं, जहाँ जहाँ सीएम साहब कहेंगे काम हो जाएगा, बाकी सब लोग लंबी तान पे सोए रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खून देने से इसमें गैप कितना होना चाहिए और इसके साथ साथ एच बी लेवल आपका क्या होना चाहिए, तो आप मतलब फेवरेबल हैं, आप खून का अत्या कर सकते हैं, इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर सायरा मोइन ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये कोई मिथ है, मिसकंसेप्शन है कि अगर आप खून देंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, लिथार्जिक फील करेंगे एक खून की बोतल से नौजवान इवन? नहीं, ऐसे ये बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन है। हमारे खून में आफ्टर एवरी 120 डेज जो है, यानी कि 3 महीने बाद एक नया रेड सेल्स कंटिन्यूस प्रोसेस है ये बन रहे होते हैं, जो पहले के सेल्स होते हैं वो टूट रहे हैं और वो जो है नए सेल्स बन रहे हैं। तो एक ब्लड की बॉटल डोनेट करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, इनफैक्ट बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है, अगर वो ब्लड निकला है तो वो उसको बल्कि एक और फर्दर उसको वो बनाता है, बोन मैरो जो है वो खून बनाती है। सही, तो ये डोनर के लिए नुकसानदेह नहीं है। डेफिनेटली एक जब कोई ब्लड डोनेट करने आता है उससे डॉक्टर एक प्रॉपर हिस्ट्री लेता है कि क्या वो एलिजिबल है, तो जब डॉक्टर उसको एक फिट कंसिडर करता है तो उससे ब्लड ले लिया जाता है। आपका आइडियल एच बी लेवल क्या होता है? फीमेल्स के लिए मोर देन 12 और मेल्स के लिए मोर देन 13 ग्राम। ठीक है, अगर आपका ये ब्लड लेवल है तो आप खून अत्या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसमें आपको कोई घबराने बिल्कुल और हर 3 महीने बाद दिया जा सकता है ब्लड, और अकॉर्डिंग टू डिफरेंट गाइडलाइंस हैं, जो अमेरिकन गाइडलाइंस है वो तो कहती हैं आफ्टर एवरी 8 वीक्स, दैट इज 2 मंथ्स बाद आप ब्लड दे सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारी पॉपुलेशन में फीमेल्स ऑलरेडी आयरन डेफिशिएंट हैं तो रेकमेंडेड ये है कि एवरी 3 मंथ्स आप जो है वो ब्लड, यानी गैप का अगर आप सवाल करें तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि एच बी लेवल खवातीन में 12 और मर्द हजरात में 13 है, तो आप फेवरेबल हैं, आप खून का अत्या कर सकते हैं। और रिकमेंडेड टाइम क्या है जी? आप 3 महीने के गैप से
खून अतिया कर सकते हैं। कोई बीमार तो नहीं होता, कोई बीमारी तो नहीं लग जाती है खून देने से? खून देने से कोई बीमारी नहीं लगती। इनफैक्ट जब आप ब्लड डोनेशन के लिए आते हैं तो ये तो एक आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड टेस्टिंग हो जाती है, ठीक है। आपका इस खून को हेपेटाइटिस बी, सी, एचआईवी, सिफिलिस के लिए स्क्रीन किया जाता है, प्लस आपका हीमोग्लोबिन लेवल भी देखा जाता है, ठीक है। तो हमारे मुल्क में तो एक जनरल वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि हम रेगुलर चेकअप्स के लिए जाते हैं, तो ये एक तरह से आपका एक फ्री चेकअप भी हो जाता है। जो ब्लड डोनेशन सोसाइटी है, कोई भी हॉस्पिटल आपसे उसके चार्जेस नहीं ले रहा, ठीक है। तो स्क्रीनड आपको, जो हमारे कंट्री में हेपेटाइटिस सी की कितनी प्रेवलेंस है, कई डोनर्स होते हैं देर कम्प्लीटली हेल्दी, लेकिन जब उनका ब्लड स्क्रीन करते हैं उनको हेपेटाइटिस सी निकलता है, देन वी इन्फॉर्म देम, तो वो उनके लिए एक तरह से बेनिफिशियल भी हो जाता है, बेनिफिशियल और आपको फ़ायदा हो जाता है। अच्छा जी, अब आ जाएँ, कौन लोग हैं जो ब्लड जिनका नहीं लगाया जा सकता? अक्सर हम कहते हैं फलां बंदा सिगरेट नोशी बहुत ज़्यादा करता है, हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, सिगरेट, ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में तो कॉमन है, बिल्कुल बिल्कुल कॉमन है। हाई ब्लड प्रेशर का जो मरीज़ है, 140 जो है सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक 90 जिसका बीपी है, और वो ब्लड प्रेशर मेडिकेशन से मेंटेन्ड है, उसको वो कम्प्लीटली सेफ है ब्लड डोनेशन के लिए, ठीक है। जो डायबिटिक्स हैं, जो इंसुलिन ले रहे हैं, उनका हम ब्लड नहीं लेते। जो ओरल जो लेते हैं हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, वो सेफ हैं, उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। सिगरेट नोशी भी एक्सेप्टेबल है, वो कोई आपके रेड सेल्स के अंदर कोई टॉक्सिसिटी नहीं दे रही। स्मोकिंग को हम, जो भी बंदा अपनी स्मोकिंग की हिस्ट्री दे रहा है उससे डेफर नहीं करते, बट डेफिनेटली जो आईवी ड्रग अब्यूज़ है या उससे हम हिस्ट्री लेते हैं कि उसकी क्या उसकी सोशल लाइफ कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, तो उसको डेफिनेटली वहाँ पर डेफर कर दिया। लेकिन जो स्मोकिंग कर रहे हैं उसका आ जाता है एक रिस्क फैक्टर, बट इतने सारे लोग हैं जो जस्ट स्मोकिंग कर रहे हैं, जैसे कि चाय कॉमन है, वो मेल्स यहाँ पर स्मोकिंग कॉमन है, तो वो डेफर नहीं किया जाता। सही, मोहम्मद यासिन साहब, आज के दिन के हवाले से कोई खसूसी कैंप्स वगैरह लगाए गए हैं, लोगों को बताया गया है कि वो आज के दिन आएँ और अपना ब्लड डोनेट करें? मैं आपको बताता चलूँ कि इस साल का थीम है ब्लड डोनर डे का, कि खून अतिया करें, प्लाज्मा अतिया करें, ज़िंदगी बांटें और अक्सर बांटें। तो इससे मुराद ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और खून का अतिया देना चाहिए। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि बैरूनी ममालक में जो है वो 8 से 10 दिन या 15 दिन के बाद या 1 माह के बाद भी दे सकते हैं, तो ये प्लाज्मा या प्लेटलेट्स कंसंट्रेट जो है उनको अतिया किया जा सकता है। तो आपने पूछा कि आज का कैंप, आज मैं आपको बताता चलूँ कि आज हमारे जो है लाहौर के मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में ब्लड कैंप हो रहे हैं और ताजर बरादरी करा रहे हैं। आज सबसे बड़ा कैंप जो है वो बाबर महमूद साहब हाल रोड वाले जो हैं, वो हर साल जो है वो 14 जून को ब्लड कैंप के, और तकरीबन 1000 से ज़्यादा बैग जो है इकट्ठे होते हैं। ये ताजर जो हमारे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी तरीके से मैं बताता चलूँ कि पिछले दिनों जो हैं वज़ीर आला साहब मोहसिन नकवी साहब ने सुंदस फाउंडेशन का दौरा किया, उन्होंने जो है ब्लड जो अतिया करने वाले लोग हैं, मरीज़ों से तो मिले, मरीज़ों को उन्होंने तहफ़ दिए, लेकिन साथ साथ जो है ब्लड कैंप लगवाने वाले और खून का अतिया देने वालों की कारकर्दगी को भी सराहा, और उन्होंने वादा किया कि उनमें वो जो है 14 जून के बाद जो है वो उन इदारों में और उन लोगों में इंसनाद भी जो है वो तकसीम करेंगे। और इसी तरीके से आज हमारा जो है गवर्नर हाउस में ब्लड कैंप लग रहा है, जिसमें गवर्नर पंजाब ख़ुद भी ब्लड दे रहे हैं, उन्होंने लास्ट टाइम भी जो है हमें ब्लड डोनेट किया है और आज भी दे रहे हैं। तो अगर इसी तरीके से गवर्नर साहब या बड़े जो लोग हैं, जिस तरह मशहूर लोग हैं, वो खून का अतिया देंगे तो तभी आगाही आएगी। तो मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि हमारे मुल्क में जो है आगाही की कमी की वजह से जो है खून का अतिया देने वालों की तादाद बहुत कम है। अगर हम अपने पड़ोसी ममालक में देखें, ईरान में देखें, यहाँ तक कि श्रीलंका में देखें, तो वहाँ पे ब्लड देने वालों की तादाद जो है 100% है। तो हमारे यहाँ पे भी हो सकती है, जिस तरह के हम आगाही को इसको आम करें, जिस तरह आपका चैनल और बाकी चैनल जो है इसको आगे लेकर चलें, और लोग जो हैं वो सुंदस फाउंडेशन का और बाकी इदारे जहाँ भी कहीं खून के अतिया की ज़रूरत है वहाँ पर खून का अतिया दें। इससे कीमती इंसानी ज़िंदगियाँ बचानी है, और कुरान की आयत भी है कि जिस किसी ने किसी एक इंसानी ज़िंदगी को बचाया गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। और हम जितने भी मजाहब हैं वो इंसानी ज़िंदगी बचाने का दर्स देते हैं। बिल्कुल, तो आप कभी सुंदस फाउंडेशन का दौरा करें, उन बच्चों की आंखों में जो चमक नज़र आ रही होती है, एक उम्मीद नज़र आ रही होती है कि अच्छा हमें अभी ब्लड लगेगा, हमारी ज़िंदगी बचेगी, वो देख के आप यकीन माने एक अलहदा से आपको एक फीलिंग आती है।
सो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको उन लोगों में शुमार किया है जो तंदुरुस्त हैं, जो खून का अतिया दे सकते हैं, क्योंकि तंदुरुस्ती से बड़ी इस दुनिया में नेमत कोई नहीं है। डॉक्टर साहिबा, क्या कोई एज भी मैटर करती है कि इस एज से कम या इस एज से ज़्यादा लोगों का खून लिया जा सकता है या नहीं? हाँ जी, लोअर एज लिमिट है 18 ईयर्स। ठीक है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आइडियली तो कुछ भी नहीं है। जो बाहर के मुल्क हैं उसमें 80 ईयर्स का बंदा भी ब्लड डोनेट कर रहा है, लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड 65 ईयर्स को अपर एज लिमिट कंसिडर किया जाता है। लेकिन इफ़ यू आर कम्प्लीटली हेल्दी, उसको कोई ऐसा इशू नहीं है, तो उससे बड़ा बंदा भी ब्लड दे सकता है। सही। सो 3 महीने का गैप आपने बताया, एज लिमिट भी आपने बता दी। मुझे ये बता दीजिएगा कि बार बार ये क्वेश्चन पूछने का मकसद ये है, अक्सर माएँ कहती हैं भाई तुमने क्यों ब्लड दे दिया, तुम तो आ गई पेल हो। अगर आपको एक बोतल देने से ऐसे लग रहा है कि आपका रंग पीला पड़ रहा है, सो अगर आप बार बार खून का अतिया कर रहे हैं, लेट्स सपोज कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि चलो इस काम में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, तो कुछ डाइट वगैरह भी रिकमेंडेड होती है कि आप जो जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो एक बैग में को 200 टू 250 मिलीग्राम आयरन आपकी बॉडी से लूज हो जाता है। तो जो फ्रीक्वेंट डोनर्स हैं हम उनको आयरन सप्लीमेंट्स का ज़रूर कहते हैं, स्पेशली फीमेल्स, क्योंकि उनके ब्लड लॉसेस का ज़्यादा है, तो उनको हम आयरन सप्लीमेंट ज़रूर रेकमेंड करते हैं। अदर देन दैट, उसकी अगर अपनी हीमोग्लोबिन ठीक है, जैसे मैंने बताया 12 से ज़्यादा है, तो उसको कोई पीला पड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डेफिनेटली अपनी डाइट वैसे भी इम्प्रूव करें, उसमें आयरन रिच फूड्स लें, अदर देन दैट सप्लीमेंट्स भी, आयरन की जो मेडिकेशन है वो ले सकते हैं। सही। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी मोहम्मद यासिन साहब, कितनी ज़रूरत होती है मैक्सिमम मिनिमम, ख़ास तौर पे अगर हम स्पेसिफिकली सुंदस फाउंडेशन की बात करें, रोज़ाना की बुनियाद पर आपको कितने ब्लड बैग्स चाहिए होते हैं? पाकिस्तान में जी तकरीबन 10 से 12 हज़ार जो है रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो ज़रूरी होती है, यानी डोनर्स चाहिए होते हैं। ठीक है। लेकिन जो है वो इतनी तादाद में जो है वो ब्लड जो है वो नहीं देते डोनर। अगर इतनी तादाद में लोग देंगे तो कीमती इंसानी ज़िंदगियां बचेंगी। सुंदस फाउंडेशन रोज़ाना जो है तकरीबन 200 से 300 जो है ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स जो है वो अपने थैलेसीमिया और हेमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज़ों को लगाता है। तो हमें रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो अपना क्या कहते हैं 200 से 300 जो है वो डोनर्स जो है वो चाहिए होती हैं। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है हमारे साथ ताउन करते हैं, कॉलेजेस वाले, यूनिवर्सिटीज़ वाले, पब्लिक प्लेसेस पे हम कैंप लगाते हैं, जिस तरह ताजर बरादरी है। और यहाँ पे मैं साथ साथ जिक्र करता चलूँ कि जो मजहबी जमाते हैं वो भी खून के अतियात देती हैं। जिस तरह कोविड में ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो दावत इस्लामी ने, जमात इस्लामी ने और दीगर इस्लामी जमातों ने भी बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में जो है वो खून के अतियात दिए। बस आगाही की ज़रूरत है, अगर जितनी आगाही जो है वो फैलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोग जो है वो खून का अतिया देंगे। और जो है इंशाअल्लाह ताला एक वक्त वो आएगा कि जब हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में भी जो 100% जो है वो खून का अतिया देने वाले होंगे, इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहिबा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, हम बात करते हैं महफूज इंतकाल खून की। लेट्स सपोज एक डोनर ने ब्लड दे दिया, उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करके आपने फिर थैलेसीमिया, हेमोफीलिया या फिर ब्लड कैंसर के मरीजों को खून वो लगाना है, वो प्रोसीजर फॉलो करने का, स्क्रीनिंग का जो एक अमल होता है, उस पर भी प्लीज़ रोशनी डाल दीजिएगा। अच्छा, कुछ इदारे हैं जो कि डोनर से ब्लड लेने से पहले ही उसके खून को टेस्ट कर लेते हैं कि इसको है तो नहीं, उसके बाद हम उसके बाद ब्लीड किया जाता है। बट आइडियल कंडीशंस में या जो बड़े सेंटर्स हैं और इवन जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है, उसमें यही है कि आप ब्लड पहले ले लेते हैं, ठीक है, और फिर इकट्ठा उन बैग्स की स्क्रीनिंग लगाई जाती है फॉर हेपेटाइटिस बी, सी, एचआईवी और सिफिलिस। ये जो स्टैंडर्ड उसका मेथड है, एक टेक्निक, उससे अच्छे स्टैंडर्ड से उसको चेक किया जाता है। तो जो डोनर्स तो रिएक्टिव निकलते हैं उनके बैग्स को डिस्कार्ड कर दिया जाता है और उन डोनर्स को साथ इन्फॉर्म कर दिया जाता है। एक कॉन्फिडेंशियल ये डेफिनेटली रिपोर्ट होती है, तो इस तरह से उसको महफूज बनाया जाता है। तो अब जो पेरिफ्री में एरियाज हैं वो फिर अनस्क्रीन ब्लड भी लग रहा है लोगों को, और उससे जो एड्स है और हेपेटाइटिस सी है वो। कितनी देर तक आप खून को महफूज रख सकते हैं, इसके लिए रिकमेंडेड क्या है टाइम स्केल के, मतलब इतना पुराना खून भी तो ऑब्वियसली नहीं लगाया जा सकता। इसकी भी जैसे हर चीज़ की एक्सपायरी होती है, तो इसकी जो ब्लड है 35 डेज तक उसको रेफ्रिजरेटर में 2 to 4 degrees जो होता है उस पर रखा जा सकता है। बट थैलेसीमिया के मरीजों के लिए हम 14 डेज ओल्ड
मैक्सिमम 2 वीक्स का जो ब्लड होता है उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। और हमारा तो इतनी डिमांड है थैलेसीमिया कि जैसे ही वो ब्लड आता है वो तो यूज़ हो जाता है, वो तो होता, वरना दूसरे जो डिजीज़ हैं उसमें आप 35 डेज तक एक ब्लड बैग की एक्सपायरी होती है। सही। सो यासीन साहब, देखने वालों को आज आपके आज के दिन के मुनासिबत से मैसेज क्या देना चाहिए? मेरा तमाम देखने और सुनने वालों से अपील है कि वो कोई भी सेंटर है, वो सुंदस फाउंडेशन है, वो फातमीन फाउंडेशन है, वो अफजाल मेमोरियल है, वो काशिफ इकबाल है, कोई भी थैलेसीमिया सेंटर है या हॉस्पिटल है, जहाँ कहीं भी ब्लड की ज़रूरत पड़े आप लोगों को चाहिए कि आप लोग खून का अतिया दें। अगर पाकिस्तान का हर शहरी साल में अगर एक दफ़ा भी खून का अतिया देगा तो हमारे यहाँ पे जो है वो खून की कमी नहीं रहेगी। आप बेशक तीन मरतबा ना दें या 4 मरतबा ना दें, आप साल में अगर एक दफ़ा भी खून का अतिया देंगे तो कीमती इंसानी ज़िंदगियों को बचाया जा सकता है। मेरे ख्याल से कार्य खैर में आप सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। डॉक्टर साहिबा, क्या मैसेज देना चाहेंगी आज के दिन? हाँ जी, यासीन साहब ने बहुत अच्छा मैसेज कन्वे कर दिया, बट मैं यही ऐड करना चाहूँगी कि आपके एक डोनेशन से सिर्फ एक पेशेंट नहीं, 3 लोग बेनिफिट होते हैं। ठीक है, एक हम एक बैग से पैक सेल्स बनाते हैं, प्लाज्मा बनाते हैं, प्लेटलेट्स बनाते हैं। थैलेसीमिया के पेशेंट्स तो हैं ही डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हैं। हीमोफीलिया के जो पेशेंट्स हैं उनकी रेकमेंडेड ट्रीटमेंट, तो उनके फैक्टर्स आते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो प्लाज्मा की फॉर्म में उन्हें ट्रीट किया जाता है। तो ये एक प्लाज्मा के हमें हीमोफीलिया के पेशेंट्स को और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं वो ट्रीट हो जाते हैं। प्लेटलेट्स जो हैं वो और डिफरेंट बीमारियों में, प्लेटलेट के फंक्शन डिसऑर्डर्स हैं। इसी तरह जब हमारे मुल्क में डेंगी जो है एक एपिडेमिक वो आती है, उसमें कितनी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो एक ब्लड डोनेट करने से आप एक बंदे को नहीं 3 लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और अमेरिकन रेड क्रॉस का एक वो है कि every 2 seconds एक बैग नीडेड है। तो हमारे जैसा मुल्क जहाँ थैलेसीमिया, उन मुल्कों में अमेरिका में ये इशू नहीं है, हमारे पास जो थैलेसीमिया का बच्चा है उसे हर 3 हफ्ते बाद ब्लड चाहिए। तो अब आप हमारी रिक्वायरमेंट सोच लें कि वो कितनी होगी। बिल्कुल। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आप ज़िंदगी अपनी तंदुरुस्ती के साथ गुजारे हैं, और इस शुक्र के साथ साथ आगे बढ़ें उन लोगों के लिए जिनको आपके खून की ज़रूरत है। आज के दिन के मुनासबत से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप तंदुरुस्त हैं तो ज़रूर आगे बढ़ें, 3 महीने बाद नहीं तो कोशिश कीजिए 6 महीने बाद, 8 महीने बाद खून का अतिया ज़रूर दें, ताकि आपकी वजह से किसी दूसरे की ज़िंदगी भी रोशन हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हम आपको ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। कोमल की तरफ चलेंगे। कोमल, बताइए मौसम आज कैसा रहेगा? लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो सख्ती जो है वो मौसम की ताहाल बरकरार है। इस वक्त आपको मेरे चेहरे से पता लग रहा होगा, इतनी गर्मी है, इतना पसीना है, इतने जो है वो शिद्दत महसूस की जा रही है कि जिसको हम अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन महकमा मौसमियात ने अच्छी खबर भी सुनाई है कि आज लाहौर शहर में ठंडी हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। बारिश जो है वो बताई जा रही है कि इतनी शिद्दत के साथ नहीं होगी, लेकिन आने वाले दिनों में शिद्दत भी देखी जाएगी और बारिश को बरसेगी भी। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि आज देर रात लाहौर शहर में तकरीबन 50% इम्कान जाहिर किए गए हैं महकमा मौसमियात की जानिब से कि बादल बरसेंगे और अच्छी बारिश हो सकती है। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस वक्त भी जो है वो धूप की वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा भी देखा जा रहा है। हवाएं इस वक्त चूँकि थमी हुई हैं तो इस वजह से जो है वो गर्मी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, और हमारी जो सरसब्ज सब्ज़ा है जो कि देखने वालों को बहुत ज़्यादा अपनी जानिब रागिब करता है, ठंडक का बाइस बनता है। इस वक्त हर तरफ जो है वो किरणें बिखेरने की वजह से एक चमक सी तो महसूस की जा रही है, लेकिन इसी के साथ साथ अच्छी खासी गर्मी भी महसूस की जा रही है। बात की जाए लाहौर में टेम्परेचर के हवाले से तो मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त तकरीबन 36 रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान 41 तक जाएगा। फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात की जाए तो AQI की मजमू शराब 132 रिकॉर्ड की गई है और लाहौर 5वें नंबर पर देखा जा रहा है। शहर लाहौर के वासियों को गर्मी से अपना बहुत सा ख्याल रखना है, एहतियात बरतनी है, और लाहौर शहर के मौसम जैसे कि तब्दीलियां दिखा रहा है, हब्स अच्छी खासी महसूस की जा रही है, जबकि जून के महीने में हब्स इस तरह से महसूस नहीं की जाती थी जब तक मानसून का प्रॉपर तरीके से जो है वो आगाज़ नहीं होता था। इस दफ़ा जो है वो बहुत सी तब्दीलियां देखने में नज़र आई हैं मौसम में, जिसकी वजह से जो है हमारे इंसानी सेहत के साथ साथ हमारे जानवरों की सेहत, हर वो चीज़ जो कि वक्त के साथ साथ बढ़ती फूलती है, हर चीज़ पर जो है वो इसके इफ़ेक्ट देखने में नज़र आ रहे हैं।
लिहाजा चूँकि हम लोग मुसलमान हैं और हम लोग इंसान हैं तो हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं, थोड़ी सी एहतियात बरत सकते हैं ताकि हम लाहौर के जो मौसम है उसके असरात से ख़ुद को महफूज रख सकें। तो इसलिए जो है वो माहिरीन की जानिब से हिदायत की जा रही है कि अपनी एहतियात बरतें और अपने साथ साथ अपने प्यारों की एहतियात के लिए भी कोशा रहें। फिर साथ में ब्रेक के बाद